Today's video I'm going to share with you how you can do your makeup. अगर आपका makeup बहुत ज़्यादा melt हो जाता है in summers और आपको बहुत ज़्यादा पसीने आते हैं और आपका makeup टिक नहीं पाता है या basically वो सारी problems जो makeup से related summers में होती हैं, this video is all about that. Hi guys, how are you? I hope you guys are doing absolutely amazing. My name is Jaya and you're watching my Orange Lifestyle. आपको बताऊंगी आपको मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को कैसे प्रेप करना है, कैसे प्रिपेयर करना है ताकि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बना रहे और अगर आपको बहुत ज्यादा स्वेट भी आता है तो भी आपका मेकअप टिका रहे. दिस वीडियो इज ऑल अबाउट दैट. आई एम गोना शेयर विद यू ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स जिससे आपका मेकअप जो है वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा ऑल डे स्पेसिफिकली इन समर्स. सो अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन से ऐसी ट्रिक्स हैं, टिप्स हैं कि जिन्हें अगर मेकअप रूटीन में इंक्लूड कर लेंगे तो आपका मेकअप समर में भी लॉन्ग लास्टिंग बना रहेगा. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड देन कीप ऑन वॉचिंग एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस स्टेप नंबर 1 है आपको अपने फेस पे एलोवेरा आइस क्यूब्स की मसाज करनी है. ये कोल्ड थेरेपी है, इससे बहुत ज़्यादा स्किन को फ़ायदा होता है. सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा तो ये है कि आपके स्किन में अगर एक्सेस ऑयल क्रिएट होता है तो उसे रिड्यूस करता है, आपके ब्लैकहेड्स और व्हाइटहेड्स की प्रॉब्लम को भी ये ख़त्म कर देता है धीरे धीरे. सो आप इसे अप्लाई कीजिए रेगुलरली. सो जब भी कोई आपको मेकअप करना हो और आपको उसे लॉन्ग लास्टिंग बनाना है देन अपने फेस पे ये एलोवेरा आइस क्यूब्स से ज़रूर मसाज कीजिए अराउंड 4 to 5 मिनट्स के लिए एंड देन आप नॉर्मल वाटर से वॉश कर लीजिए. सेकेंड स्टेप आता है आपको अप्लाई करना है कोई भी टोनर. आई एम यूजिंग नीम एंड तुलसी टोनर फ्रॉम द ब्रांड गुड वाइब्स. यू कैन यूज एनी टोनर जो भी आपको सूट करता है या जो भी आपकी स्किन कंसर्न्स है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पसंद का कोई भी टोनर अप्लाई कर सकते हैं. स्टेप आता है सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर. सनस्क्रीन बहुत लोग भूल जाते हैं और जबकि नहीं भूलनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है. मॉइस्चराइजर नहीं अप्लाई कर रही हूँ बिकॉज सनस्क्रीन से ही आई फील इनाफ और बहुत ज़्यादा हमें लेयरिंग नहीं करनी है बिकॉज लेस इज मोर. नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा प्राइमर. अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है देन आप प्राइमर अप्लाई कीजिए, अदरवाइज यू कैन कम्प्लीटली स्किप द प्राइमर पार्ट. प्राइमर नेसेसरी नहीं होता है अगर आपकी स्किन काफ़ी अच्छी है तो, बट अगर आपको ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है देन आप अपने प्रॉब्लमेटिक एरिया पे प्राइमर अप्लाई कर लें. नेक्स्ट स्टेप आता है फाउंडेशन का. आप समर्स में बहुत ज़रूरी है कि आपका बेस बहुत लाइट हो, बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, फुल कवरेज वाला ना हो, अदरवाइज़ वो केक ही लगेगा. मैं लैक्मे का इनविजिबल फिनिश फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ. इसके नाम के अकॉर्डिंग ही इसकी फिनिश जो है वो इनविजिबल है, बहुत लाइट है, बहुत लाइट टेक्स्चर है, लिक्विड है और क्रीम टाइप के फाउंडेशन आप समर्स में बिल्कुल अवॉइड कीजिए. मैं कोई कंसीलर भी अप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं करनी है. अगेन मैं बार बार आपसे कह रही हूँ हमें बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं करनी है क्योंकि जितना हम लेयर अप करते हैं उतना ही हमारा मेकअप जो है वो क्रैक करने लगता है, केकी लगता है, स्वेटी होता है. तो मैं फाउंडेशन को ही अपने थोड़े थोड़े अंडर आई पे लगा लूँगी और हाईलाइट वाले पॉइंट्स पे एंड देन ब्लेंड कर लूँगी. ब्लेंड करना इज़ रियली इंपॉर्टेंट. मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ कर रही हूँ ब्लेंड करने के लिए. अपने फेस को सेट करना, फॉर दैट आई एम यूजिंग मेबलिन का कॉम्पैक्ट और मैं सिर्फ अपने अंडर आई और टी जोन को सेट करूंगी बिकॉज आई एम ड्राई स्किन टाइप, बट इन समर्स मेरा टी जोन थोड़ा ऑयली रहता है एंड मैं उस जनरली सिर्फ उसे ही सेट करती हूँ. तो आप अगर एक्सट्रीमली ऑयली हैं देन आप अपने कंप्लीट फेस को भी सेट कर सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू. स्टेप है आईब्रोज को फिल करना, बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत लाइट तरीके से आप अपनी पसंद की किसी भी आईब्रो पेंसिल से अपने आईब्रोज को फिल करिए. नेक्स्ट स्टेप है ब्लश, ब्रॉन्जर एंड हाइलाइटर. कम्प्लीटली अवॉइड कीजिए आप कॉन्टोरिंग करना इन समर्स, बहुत ज़्यादा हार्श लगती है वो. आप अपने फेस पे ब्रॉन्जर अप्लाई कीजिए लाइट हैंड से एंड आपको फिर एक सन किस टाइप का लुक मिलेगा. और ब्लश ऐसा अप्लाई कीजिए जिसमें या तो कम्प्लीटली मैट हो, आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है ये, लेकिन मैं अप्लाई कर रही हूँ इसमें हल्की सी शीन है. मुझे सेपरेटली हाईलाइटर अप्लाई नहीं करना पड़ेगा तो मैं कोई हाईलाइटर अप्लाई नहीं कर रही हूँ क्योंकि ब्लश में हल्की सी शीन है और बहुत ज़्यादा हाईलाइटर हमें समर्स में अप्लाई नहीं करना चाहिए, अदरवाइज हमारा फेस बहुत ऑयली लगता है. ब्लश को ही हल्का हल्का सा अपनी आईलेट पे अप्लाई कर लूँगी और मेरी आईलेट जो है वो नेचुरली यू नो ब्लूम अप दिखेंगी. बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लगेगा आई शेडो लगाए, लेकिन वो पुट टुगेदर लगेंगे. न्यूड आई पेंसिल यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम द ब्रांड बेटल वाइल्ड. इससे क्या होता है आपकी आई थोड़ी ओपन अप दिखती है, बड़ी दिखती है और बहुत अच्छा लुक आता है.
फॉर मस्कारा मैं मेबिलिन का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ और मैं सिर्फ सिंगल कोट करूँगी। अगेन हमें बहुत ज़्यादा लेयरिंग नहीं करनी है किसी भी चीज़ में। मैं यूज़ कर रही हूँ मेबिलिन की इंक मैट लिपस्टिक इन द शेड पोएट। ये बहुत प्यारा सा प्रिटी न्यूड कलर है। ये मुझे वॉश आउट करता है अगर मैं एज ए लिपस्टिक लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ तो। मैं हल्का सा अप्लाई करके अपनी फिंगर की हेल्प से इसे रब कर लूँगी ताकि ये हल्का हल्का यू नो माई लिप्स बट बेटर वैसे वाला लुक दे। एंड या दिस इज द फाइनल लुक। वेरी इजी, वेरी सिंपल, वेरी बेसिक, बिगिनर फ्रेंडली, अफोर्डेबल एज वेल एज स्पेसिफिकली रियली सटल फॉर द समर। सो गाइज, मैंने इस वीडियो में हर एक चीज़ इंक्लूड करी है जो कि आपको अपने समर मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए यू नो ध्यान में रखनी चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन जो है वो ये है, आपको अपनी स्किन को प्रेप अच्छे से करना है, फेस को क्लीन करना है, देन आपको मसाज करनी है। एलोवेरा आइस की बहुत हेल्पफुल होती है, आप एक बार ट्राई कीजिए एंड देन यू वॉन्ट रिग्रेट। आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग बनेगा, आपके स्किन इशूज़ ख़त्म होंगे और आपके फेस पे जो एक्सिस ऑयल होता है वो रिड्यूस होने लगेगा। आपको इसका असर ऑफकोर्स वन टाइम में नहीं मिलेगा, एटलीस्ट आप 4 वीक्स के लिए ट्राई कीजिए, धीरे धीरे आपको इसका असर दिखेगा अपने नॉर्मली स्किन केयर रूटीन में भी। दिस इज़ मैजिकल। एंड नेक्स्ट आपको अपनी पसंद का कोई भी टोनर अप्लाई करना है, मॉइस्चराइजर अप्लाई करना है। ऐसा मॉइस्चराइजर अप्लाई कीजिए जो सनस्क्रीन वाला हो, या ऐसी सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए जिससे आपको मॉइस्चराइजर अप्लाई ना करना पड़े। और कम प्रोडक्ट का यूज़ कीजिए बिकॉज बहुत ज़्यादा लेयरिंग हमें किसी भी चीज़ की नहीं करनी है। और नेक्स्ट, अगर आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है देन आप कोई भी सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर लगा सकते हैं उन पोर्स को ब्लर आउट करने के लिए। एंड अगर आप एक्सट्रीमली ऑयली हैं तो भी आप अपने फेस पे प्राइमर लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपकी नॉर्मल स्किन या ड्राई है देन यू कैन कम्प्लीटली स्किप द प्राइमर पार्ट। हमें ऐसा फाउंडेशन अप्लाई करना है जिसकी कवरेज लाइट टू मीडियम हो, जो बहुत फ्लॉलेस लगे, जो केकी ना लगे और लिक्विड फाउंडेशन हो। और हाइलाइटर हमें कम्प्लीटली अवॉइड करना है, कॉन्टोरिंग हमें अवॉइड करनी है क्योंकि हाइलाइटर से आपका फेस और ज़्यादा ऑयली लगता है। और बिल्कुल भी शिमर आई शेडो भी अप्लाई मत कीजिए क्योंकि उससे भी बहुत ज़्यादा ऑयली लगता है। मैंने इस वीडियो में हर एक टॉपिक इंक्लूड करने की कोशिश की है जिससे आपका मेकअप समर्स में भी लॉन्ग लास्टिंग बना रहे। और अगर आप बहुत ज्यादा गर्मी में भी बाहर निकले और अगर आपको बहुत ज्यादा पसीना भी आता है तो भी आपका मेकअप जो है वो आपके फेस पे टिका रहे। सो या इफ यू लाइक दिस वीडियो देन कंसिडर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम। आई अपलोड लॉट्स ऑफ कॉन्टेंट ओवर देयर ऑल्सो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।